हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। और यहाँ पे देखिए हम क्या क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे हम जा रहे हैं डेकैथलॉन। काफ़ी मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर मिलता है, स्पोर्ट्स स्टोर है, तो आपको जो भी स्पोर्ट्स के लिए चाहिए यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। और यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, ये जयपुर सेंटर गेट जो मेन गेट है यहाँ, वहाँ से हम एंटर होंगे। और फिर देखिए आगे रवि जी चलते हुए और यहाँ से हम एंटर होते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने मास्क निकाल रखा था, तो मैं मास्क वेयर कर रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए आप कलेक्शन कितना अच्छा है, ये मेंस का सेक्शन है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे जैकेट्स का, और कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ से मैंने देख रही थी बॉल वगैरह स्पोर्ट्स की चीज़ें जो भी, और ये सारे आइटम आपको इस तरह से मिल जाएंगे। और जैकेट्स का कलेक्शन देखिए काफ़ी अच्छा है, मेंस के लिए तो काफ़ी बहुत ही अच्छा कलेक्शन था वहाँ पे। और ये यहाँ पे वुलन की कैप मिल जाएंगी सर्दियों के लिए, तो यहाँ पे मैं हानिया के लिए देख रही थी। और जैकेट्स, लॉन्ग जैकेट्स भी हैं, ये हमने ले लिया। और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम स्टेयर से, तो ये ऊपर जो ऊपर वाले सेक्शन में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा कलेक्शन है, तो आपको वो भी विज़िट कराते हैं। ये कलर अच्छे लग रहा है, ये कलर अच्छे लग रहे हैं इनके शर्ट जो तो आप यहाँ पे ये कलर देख रहे हो, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये कलर, तो मैं सोचा क्यों ना ले लूँ, बट मुझे इसमें कोई साइज़ नहीं मिला था। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई इस सेक्शन में, जहाँ पे ब्लैक कलर का सेम पैटर्न में मुझे फुल स्लीव्स टी शर्ट मिली, वो इनके लिए रवि जी के लिए, तो वो हमने ले ली थी। और यहाँ पे काफ़ी सारी टी शर्ट्स थी, हाफ स्लीव्स थी, कलर्स भी बहुत अच्छे थे, बच्चों की भी टी शर्ट बहुत अच्छी थी, प्यारी कलर लग रहे थे मुझे इसमें। और यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें, बॉल और बैट, यहाँ से हाँ मैंने एक बैडमिंटन सेट ले लिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर हम यहाँ से निकल गए, ये देखिए हमारे बकेट रखी है जो शॉपिंग की। और फिर हमने यहाँ पे ट्रायल रूम में गए, और रवि जी ट्राई करके देख रहे थे जैकेट्स, तो इन्होंने ये इस तरह के बंद गले में है, मतलब हाईनेक स्टाइल में है, तो वो ली। और ये देखिए सारे जो शॉपिंग की, ये बैग भी लिया था। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नवदीप आटा चक्की सिंस 1989, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। हानिया के लिए हम शूज़ लिए थे, तो मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत क्यूट। प्रॉपर कलर नहीं आ रहा यहाँ पे गाड़ी में, क्योंकि रात हो चुकी है और हानिया पहनने की ज़िद कर रही है इनको, तो अब मैं बस इसको ही, इसकी जो नॉट है ना मुझसे खोल नहीं रही है, तो बस इसको ही खोलने वाली हूँ। हानिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हानिया बहुत एक्साइटेड हो आप पहनने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्यों? आपको पसंद है आपके शूज? आप गलत पहन रहे हो बेटा, तो इसको खोलने तो दो बेटा, ये नॉट नहीं ओपन हो रही, मुझसे बताओ। ये तो पापा खोलेंगे। ये तो पापा खोलेंगे। पापा नहीं खोल पाते, अभी पापा कॉफी लेने गए हैं। हानिया ने अपने शूज़ पहन लिए हैं, और यहाँ पे हमने, हमसे टैग भी नहीं निकला, तो इसे घर पे जाके कट करेंगे, है ना। और यहाँ पे रवि जी आ गए हैं कॉफ़ी लेके, तो हमारी ये कॉफ़ी रेडी है पीने के लिए, और इसके साथ खाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चाओ, बहुत गर्म है बेटा, आप टच भी मत करना, ठीक है? मुझे भी नहीं। हाँ हाँ, खाने का मन हो रहा है ना?
आपका बहुत मन हो रहा है? नहीं। क्यों? आप तो बोल रहे थे ना अभी। बहुत ज्यादा गर्म है। तो आपको क्या पसंद आया वहाँ पे मुझे बताओ, क्या शॉपिंग किया आपने? शूज वगैरह लेकर आई थी। शूज वगैरह लेकर आई थी। सैंडविच आ गई हमारी, ग्रिल सैंडविच। नाउ दिस टेस्ट फिगर। खाना बेटा को, खाने को सॉस खानी है भाई, खाने को उससे लेगी। ले बेटा। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। और कल हम लेकर आए थे, शॉपिंग करके आए थे जो भी, तो मैंने आपको नहीं बता पाई कि क्या क्या हम लेकर आए थे। और अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हम शॉपिंग करके आए थे। पहले तो मैं बैठ जाऊँ अच्छे से। बैग लेकर आए थे जो काफ़ी अच्छा है, और हमें मतलब शॉपिंग जो की थी हमने बाहर से एक्स्ट्रा, वहाँ से कोई बैग नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये बैग था और इसमें सारी चीज़ें आ गई। जैकेट्स, दो जैकेट्स, टी शर्ट, तो आप समझ सकते हो कितना स्पेस है इसमें। और यहाँ पे एक जिप दी हुई है, एक ऊपर साइड जिप है और एक अंदर है। और अंदर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। कल आके मैंने सारा का सारा सामान ऐसे ही रख दिया था क्योंकि हम वैसे भी लेट हो चुके थे, आके मैं काम में भी बिजी हो गई थी। तो आपने ये वाले शूज़ तो देख ही लिए होंगे ना ब्लॉग में, हाने ने पहन चुके हैं, ये तो आते ही पहन लिए थे गाड़ी में उसने। और ये भी हम वहीं से लेके आए थे, मुझे बहुत ही क्यूट लगे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट लगे मुझे ये, इसलिए मैंने ये ले लिए। और मुझे अच्छी कलर भी इसका बहुत प्यारा है और मुझे बहुत ही अच्छी रेट्स में मिल गए थे। और ये देखिए, ये है रवि जी ने जैकेट ली है जो मतलब हाई नेक टाइप की है, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, टैक्स हमने रात में निकाल दिए थे तो ये काफ़ी अच्छी जैकेट लगी, पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। स्पोर्ट्स में है, तो अगर आपको कुछ भी स्पोर्ट्स का लेना है, कुछ भी बाय करना है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर कलेक्शन दे सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। तो यहाँ से एक ये टी शर्ट ली थी, हाँ। और यहाँ पे इन्होंने फुल स्लीव की टी शर्ट ली थी जो कि वो भी हाई नेक में है और अंदर से काफ़ी गर्म है। और आप इसकी प्राइस जो है ना इमेजिन नहीं कर सकते, हमें इतनी चीप रेट में अच्छी चीज़ें मिल गई। तो आप वहाँ पे जाइए, ज़रूर विज़िट करिए क्योंकि बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है। और सारे एक्टिव वियर और जिमिंग के आइटम्स, सारे जो भी आपको स्पोर्ट्स के चाहिए ना, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए लिए थे फुल स्लीव टी शर्ट, ये भी ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और मैंने काफ़ी टाइम से ब्लैक कलर में कुछ चीज़ें टी शर्ट्स वगैरह ली भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर में ही ली हम। और यहाँ पे नेक्स्ट आइटम जो है मैंने लिया नेवी ब्लू कलर की ये जैकेट है, और ये बहुत ही मतलब देखने में तो हैवी लग रही है लेकिन है बहुत ही लाइट वेट। इसकी यही खासियत मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये देखिए, अब लाइट ऑन कर दिए हमने तो इसका कलर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये है नेवी ब्लू जैकेट और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसकी रेट्स भी बहुत ही अच्छी थी इसलिए। और ये देखिए, अंदर से इतनी लाइट वेट है और इसका स्टफ देखिए अंदर से इस तरह का है, और पहनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी हो, बहुत लाइट है। और आपको विंटर के लिए भी काफ़ी अच्छा ही है, विंटर के लिए ही लिया है वैसे तो मैंने और यहाँ पे मैंने अगेन ब्लैक टी शर्ट ली जो कि हाफ स्लीव है, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। और मेरे पास ब्लैक कलर में टी शर्ट्स भी नहीं थी क्योंकि, और मेरे पास दो तो नेवी ब्लू टी शर्ट्स हैं, ब्राइट ग्रीन हैं, मरून टाइप्स की हैं,
पर्पल है तो इस ग्रीन है, और बस मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था और मुझे कहीं अच्छा भी नहीं लगता ब्लैक कलर में, क्योंकि प्रिंटेड होता था। मुझे प्लेन इस तरह की टी शर्ट चाहिए थी, तो जो मुझे यहाँ पे डेकाथलॉन पे मिली और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने नोटिस किया होगा हम दोनों ने ही, मैंने रवि जी ने ही ब्लैक कलर चूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने शॉपिंग नहीं की थी स्पोर्ट्स वेयर की, और मुझे मुझे चाहिए था कि ब्लैक कलर में ही टी शर्ट हो, और इसलिए मैं हाफ स्लीव भी लेकर आई, फुल स्लीव भी लेकर आई, और बाकी मेरे पास थी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की शॉपिंग, और हमारे ब्लॉग कैसा लगा, शॉपिंग ब्लॉग कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाले और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।